तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कौन कौन सी सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। वैसे तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादातर सब्जियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी सब्जियाँ आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। वो मिसगैरेज का भी कई बार कारण बन जाती हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो अगर आपको खाना ही है वो सब्जियां, तो आप एक हफ्ते में उसको कितनी बार खा सकते हैं उस बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। जब आप प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सब्जियां खाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, तो एक तो ये आपको आपकी प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है। साथ ही साथ ये बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बच्चे को भी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है अगर आप अच्छी अच्छी सब्जियाँ फल ये सब खाते हैं। आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सी सब्जियां नहीं खानी हैं, और अगर आप उनको खाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के साथ साथ इसका बच्चे पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। ऐसी कौन सी पहली सब्जी है जो कि आपको प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए? वो है बैंगन। बैंगन आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि मिसगैरेज का कारण बन जाता है बैंगन। अगर आप बैंगन बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बहुत बार ही मिसगैरेज का चांस बन जाता है, इसलिए आपको बैंगन को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है बैंगन खाने की, तो आप हफ्ते में एक बार बैंगन ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी। दूसरी जो सब्जी है वो है कटहल। कटहल आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं खाना चाहिए। इसका कारण ये है कि इसमें शुगर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, और अगर आप इसको काफ़ी फ्रिक्वेंटली खाते हैं तो आपका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। इन रिजल्ट आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक तरीके की डायबिटीज़ होती है जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है और एक टेम्परेरी डायबिटीज़ होती है, लेकिन इस डायबिटीज़ की वजह से आपकी प्रेगनेंसी में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आपको डिलीवरी में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको इस डायबिटीज से बचने के लिए आपको कटहल से जरूर परहेज रखना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, और कटहल आपको और भी कई तरह से प्रॉब्लम करता है आपकी प्रेगनेंसी में, आपके बच्चे की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है। कटहल को डेफिनेटली आपको इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जो नेक्स्ट है, आप उसको हर्ब्स कह सकते हैं, वो है अदरक। अदरक आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अदरक की जो तासीर होती है हम सब जानते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी चीज़ें खाने से जनरली परहेज किया जाता है जिनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए आपको अदरक को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको अवॉइड करें। हालांकि कई बार ये नौजिया वगैरह में आपको हेल्प करता है, लेकिन आप एक कप जो चाय सुबह पी रहे हैं उसमें आप थोड़ी सी अदरक डाल के लेते हैं तो आप पी सकते हैं, लेकिन बहुत गर्मियों में अगेन आप अदरक नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप एक कप चाय में ज़रूर ले सकते हैं जब सर्दियां वगैरह चल रही हैं। उसके अलावा आप अदरक हर सब्जी या दाल में डाल के नहीं लेना चाहिए, अदरक बहुत ज़्यादा मेजर कॉज बन जाता है मिसगैरेज होने का, तो इसीलिए आपको अदरक को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ आपको करेले को भी अवॉइड करना चाहिए। हालांकि करेले की जो स्किन होती है, बिना बीज के जो करेला होता है वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जो करेले के बीज होते हैं वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, क्योंकि करेले के बीज में इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपके बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो अगर आपको करेला खाना है तो आप बिना बीज के खा सकते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज़ वगैरह नहीं होने देता, गेस्टेशनल डायबिटीज़ वगैरह नहीं होने देता, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखता है। तो अगर आप करेले की स्किन खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन करेले के बीज आपको नहीं खाने हैं। दोस्तों, आपको ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जो कि उस सीज़न में होती हैं और आपके देश में उगती हैं। सबसे बड़ी चीज़, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा रीजनल आपको खाना है और सीजनल आपको खाना है। कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है, फिर बाहर से इंपोर्ट की हुई सब्जियां आपको नहीं खानी, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत तरीके के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जो सीज़न में चल रहा है वो खाएं और जो आपके देश में होता है वो खाएं, वही आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपके बेबी की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। एक सब्जी और है जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों में दो तरीके की चीज़ें, कोई कुछ लोग बोलते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं इससे नुकसान होता है, वो है मूली। मूली को भी खाने के लिए बोला जाता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये इट इज़ अप टू यू। अगर आपको मूली थोड़ा खाने के बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप इसको अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ना खाएं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको इसकी क्वांटिटी पे तो ज़रूर लिमिट लगानी चाहिए, लेकिन आपको इसको लेकिन
जरूरी नहीं है कि आपको इसको अवॉइड करना है। आप हफ्ते में एक से दो बार आप मूली की सब्जी या मूली के पराठे वगैरह आप खा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मूली की वजह से आपको कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा है या हार्ट बर्न का प्रॉब्लम बढ़ रहा है या कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम आपको इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो फिर आपको मूली दोबारा इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें दो तरीके के लोगों के जो एडवाइसेस है वो दो तरीके के हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है और आपको इसके बारे में आपको बता दिया। दोस्तों वैसे तो प्रेगनेंसी में ज्यादातर सब्जियां अच्छी होती हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे आपको मिनरल्स विटामिंस मिलते हैं, बहुत सारा फाइबर मिलता है। लेकिन जो सब्जियां अच्छी नहीं होती हैं उनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।